Welcome, Trivendra Singh Rawat. You're the Chief Minister of Uttarakhand, and your state is a mountainous region. You have a lot of income coming in from tourism and agriculture. In fact, the pandemic has caused a slowdown on the economic front around the world, not just in your state, but also caused a second problem, which is people who are working out of the state have returned to the state. And that puts the added pressure on you to keep them happy and, as on the other side, keep the industry going in some way. So what are the measures that you have taken in Uttarakhand to try and keep the balance of protecting people and at the same time keeping livelihood going? वैसा हम लोगों ने राज्य में बहुत फोकस किया था पर्यटन की तरफ और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन इस कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे थे और जो भी हमारे नए डेस्टिनेशन वो थीम बेस्ड है कोई योगा पर है कोई हमारा एक हमारा ट्यूलिप गार्डन बेस्ड था कहीं पर हमारा एडवेंचर पर है कहीं पर हम लोग वाटर स्पोर्ट्स पर बेस्ड हैं ऐसे हम लोगों ने हर जिले में अलग अलग और हरिद्वार जिले में क्योंकि सती का स्थान है हरिद्वार और जो सती के ये माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि उनके 51 अंश हुए और अलग अलग जगह पर गिरे और वहां पर देवी के मंदिर बने हैं तो हरिद्वार में हमने एक उनकी रेप्लिका हरिद्वार में बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया था जिस पर हमारा काम चल रहा है लेकिन कोविड के कारण पर्यटन का जो हमारा उद्योग है और जो स्पिरिचुअल जो टूरिज्म था हमारा वो बहुत प्रभावित हुआ है काफी नुकसान उसकी वजह से हुआ है और कोविड के कारण लगभग 3.5 लाख से ज्यादा लोग उत्तराखंड जैसे छोटी स्टेट में अपने घरों की तरफ वापस आए हैं जिनमें बड़ी संख्या युवक और युवतियों की है उत्तराखंड के जो लोग हैं ज्यादातर सर्विस सेक्टर में काम करते हैं इंडस्ट्रियल लेबर हमारे यहाँ की नहीं है या रोड कंस्ट्रक्शन में उसमें हमारे यहाँ के लोग नहीं है ज्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उसी को देखते हुए हमने राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये हमने राज्य में प्रारंभ किया और उसमें हमने जो लोग थोड़ा पैसे वाले हैं उनके हिसाब से किया है जो कम पैसे वाले हैं उनके हिसाब से किया और कुछ ऐसे लोग कि जिनके पास जो बेचारा हैंड टू माउथ थे या कहना चाहिए जिनके पास कोई पूंजी नहीं है उसके हिसाब से हमने प्लानिंग किया और एक राशन की दुकान अगर कोई खोलना चाहता है या कोई छोटा स्टोर खोलना चाहता है कोई भी काम लगभग 150 से अधिक काम है जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वो लोन ले सकते हैं और उससे अपना कारोबार वो शुरू कर सकते हैं चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे हमारा ट्रेडिंग से संबंधित हो डेयरी से संबंधित हो फिशरीज से संबंधित हो कोई भी काम मधुमक्खी पालन एग्रीकल्चर लाइट सारे काम उसमें मैंने बताया जैसे कि 150 के करीब काम है हमने कहा जो काम भी करना चाहता है मनाही नहीं होनी चाहिए सारे काम उसमें कवर अप होना चाहिए उसके अलावा हमने सोलर फार्मिंग शुरू किया और उत्तराखंड में जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें क्योंकि बहुत छोटी छोटी जोत है किसानों की तो खेती लोगों ने खेती इतनी नहीं थी कि लोग उस पर अपना परिवार का भरण पोषण के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई कर सके अपने स्वास्थ्य की केयर कर सके फिर लोगों ने खेत खाली छोड़ दिए तो हमने उस पर सोलर फार्मिंग शुरू किया और लगभग 208 मेगावाट के ऐसे हमने वहां पर डेवलपर्स को दिए गए इसके अलावा हमने छोटे छोटे सोलर प्लांट मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना के अंतर्गत 25-25 किलोवाट के हमने ये प्रोजेक्ट हमने स्वीकृत किए हैं जिसमें 10,000 लोग उसमें अपने 25-25 किलोवाट के उनके प्रोजेक्ट लग सकते हैं और उसमें एमएसएमई की जैसे हमारी पॉलिसी है उसके तहत 25% तक की उसमें सब्सिडी है और उसकी जो गारंटी है लोन की वो गवर्नमेंट ने ली है बैंक्स का पूरा भार जो है गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है जो बिजली पैदा होगी उसको खरीदने का काम यूपीसीएल हमारा जो है वो उसको खरीदेगा यानी कि खरीदने की भी गारंटी है उनके जो विकास करता है उनको उनके उनकी भी गारंटी है उसमें 10,000 लोगों के लिए हमने अवसर दिए हैं
इसी तरह से हमने मोटर बाइक टैक्सी उसमें भी हमने 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था की है और ये कहा है कि 2 साल तक का जो इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट उनको पे करेगी। इसी तरह से जो बसेज हैं बड़ी बसेज देते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली हमारे यहाँ एक स्वरोजगार योजना है उसमें पहले 30% सब्सिडी थी अब हमने उसको 50% सब्सिडी किया है कि 50% तक और जो बसों खरीदेंगे उसको हम स्टेट जो रोडवेज हमारी वो उसमें अनुबंधित हो जाएंगे उसके थ्रू अपना रोजगार करेंगे। इसके अलावा हमने हर जनपद में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान जो होता है उसमें 40% बजट हमने स्वरोजगार की योजनाओं के लिए रखा है और हमारा लगभग हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 350 करोड़ रुपया ये और लगभग 225 करोड़ रुपया एक और जो सेंटर की जो योजना है वो अलग है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत है तो आप ये लगाइए कि लगभग 450 करोड़ का मतलब होता है कि 4 गुना लगभग 1800 करोड़ रुपया ये स्वरोजगार योजना में हमने क्योंकि ये पैसा तो सब्सिडी के लिए जो हम 25% पर सब्सिडी देंगे कहीं पर 15% भी है तो इस तरह से ये पैसा हमने स्वरोजगार योजनाओं के लिए रखा है। उसमें लोग पॉली हाउस लगा रहे हैं मछली पालन कर रहे हैं पोल्ट्री कर रहे हैं इस तरह के तमाम काम खेती कर रहे हैं बाग बगवान लगवा रहे हैं ऑक्सीजन वेजिटेबल्स का काम कर रहे हैं तो हमने जो पैंडेमिक के कारण जो एक बड़ी समस्या खड़ी हुई लोग बेरोजगार हो गए उस पर हम लोगों ने इस ढंग से उनके लिए रोजगार की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाएगा ये कोविड भी भागेगा और ये लोग आत्मनिर्भर होंगे। हाउ मच ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट दैट यू आर पुटिंग इन इज लाइकली टू बी टारगेटेड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट एंड मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट कैन बी एक्सपोर्टेड एंड एट द सेम टाइम Are you also looking at attracting foreign direct investment into these projects, at least some of them? So is there anything special being done to attract foreign direct investment into the state? निश्चित रूप से हम लोगों ने 2018 में यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट किया था डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से और उसमें देश विदेश से जो डेवलपर्स हैं या जो कहना चाहिए कि इन्वेस्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था और लगभग 225,000 करोड़ के MOU साइन किए थे जिसमें लगभग 25,000 करोड़ से अधिक का उस पर काम हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है और बाकी भी प्रोसेस में है लोग काफी इच्छुक हैं कि यहाँ पर हम इसको करें। जहाँ तक FDI की बात है तो उसको तो हमने सदैव आमंत्रित किया है और कुछ लोग हमारे पास आए भी हैं लेकिन कई लोगों को ये जरूर देखने में आया कि वो जैसे ऑर्गेनिक में आना चाहते थे मरुआना में आना चाह रहे थे तो उनको जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरा कर पाने में हम सफल नहीं हुए। कारण ये कि उत्तराखंड में 71.3% ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है फॉरेस्ट लैंड है और लेस देन 13% ये हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है तो हमारे पास खेती की जमीन बहुत कम है। जो लोग जो विदेशी जो आते हैं तो वो बहुत बड़ी भूमि की उनकी डिमांड होती है खेती के लिए तो हम उसको कर पाने में हम लोग अपने आप को अक्षम पाते हैं। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है तो एक्सपोर्ट हमारे योजना में है और हम हिमालयन ब्रांड के नाम से उसको प्रसारित कर रहे हैं और उसको एक तरह से ब्रांडिंग हिमालयन के नाम से उसको कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो यहाँ की जो बड़ी खासियत है ये कि यहाँ पर लगभग हमारे देश में जो 16 तरह के क्लाइमेटिक जोन्स हैं 14 जोन्स उत्तराखंड में हैं। अगर हम रेगिस्तान की जलवायु छोड़ दें अगर हम समुद्री जलवायु छोड़ दें तो दो को छोड़ करके 14 तरह की जलवायु यहाँ पर है के कारण यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छी है यहाँ पर और ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ऑफ सीजन फ्लावर्स और ऑफ सीजन फ्रूट्स ये यहाँ पर पर्याप्त इसकी संभावना है और उसी पर हम लोगों ने फोकस किया है। उसी की बात हमारे लिए ये है कि जो इतने भी माइग्रेंट्स आए हैं ये रिटर्नीज जितने हैं ये इन्होंने इसमें बड़ी रुचि दिखाई है। मैं कल एक जगह गया था एक गाँव में तो वहाँ जो खेती 40-50 साल से बंजर पड़ी हुई थी ऐसे उन लोगों ने इन 3-4 महीनों में 25 हेक्टेयर लैंड पहाड़ में 25 हेक्टेयर लैंड आबाद करना बड़ा कठिन है
क्योंकि आना जाना इतनी चढ़ाई उतार रहता है, मशीन से आप काम नहीं कर सकते, हाथों से काम करना होता है। तो और उसमें पूरा उन्होंने बाउंड्री किया, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर बहुत है, बंदर सुअर ये बहुत बड़ी संख्या में, जो इसके कारण खेती हमारी बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। और उन लोगों ने पूरा उसको बाउंड्री किया, सरकार ने भी उसमें उनको मदद किया, हमने कल उनको एक एयर कंडीशन वैन दिया, ट्रक दिया एक, कि आप अगर अपने वेजिटेबल्स यहाँ से दिल्ली ले जाना चाहते हैं तो आप वहां सेल कर सके। तो उन्होंने रुचि दिखाई है और हमारी फ्यूचर की यही प्लानिंग है कि हम इसको एक्सपोर्ट करें। हिमालयन टोकरी एक वेजिटेबल्स की एक परिवार के लिए परिकल्पना है कि 200 रुपए की हमने एक टोकरी बनाई और एक पूरे परिवार के लिए 2-3 दिन की सब्जी वो हो जाएगी, तो आज ही सब्जी उनको देने का हमारा हमारी योजना में है और उस पर काम कर रहे हैं। उसी में सबसे ज्यादा रोजगार एक हम और कर रहे हैं कि हिमालयन मटन के नाम से उसका हमारा वो प्रोसेस में है। तो जो हमारे हिमालय की जो बकरी है, गोट्स हैं, जो वो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो हम क्योंकि वो ग्रेजिंग करके आती है, तरह तरह की जड़ी बूटियां वो जंगलों में लेती हैं, तो उसको हम लोग कर रहे हैं, उसका भी हमारा बहुत जल्दी काम शुरू हो रहा है। टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट हैज बीन इन द पास्ट एंड इट इज लाइकली टू बी इन द फ्यूचर, बट व्हाट आर यू डूइंग नाउ to try and attract more tourists and specifically foreign tourists? एक UNO की रिपोर्ट किसी ने मुझे बताई कि फ्यूचर जो है वो एडवेंचर टूरिज्म का है और उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म की पर्याप्त संभावना है। 12 महीने बर्फ से ढके हुए पहाड़ यहाँ पर हैं, समतल मैदान भी हैं, खड़ी चोटियां भी हैं, हमारे पास 12-13 सेंचुरी हैं और जिनमें बाघ भी है, हाथी भी हैं, तमाम तरह के जो जंगली जानवर हैं जो हमको सहज आकर्षित करते हैं वो हमारे पास। माँ गंगा जो हम हिंदुस्तानी लोग माँ के रूप में देखते हैं, ऐसी पवित्र नदी ये हमारे पास है, ऐसे अनेक नदियां हमारे पास हैं जिस पर जो व्हाइट वाटर राफ्टिंग जिसको बोलते हैं उसकी वो बहुत अच्छी, लाखों की संख्या में लोग उस पर आ रहे हैं। अभी हमने एक नई चीज इस बार अनुभव की है और उसका प्रयोग किया इस बार हमने कि जो ये राफ्टिंग है इसमें लोग अब इसके बाद अब आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बरसात जो गंगा जी में हो रहा है, सरयू में हो रहा है, थोड़ा बहुत तमसा में हो रहा है, इस बार हमने एक नई एरिया ढूंढा है कि बरसात के दिनों में जो हमारी छोटी नदियां हैं उनमें बरसात में बहुत पानी हो जाता है, इस बार हमने उसका प्रयोग किया और मानसून का जो राफ्टिंग है वो एक नया सीजन हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। एक चीज जो और महत्वपूर्ण है जो आपने कहा कि विदेशी जो पर्यटक हैं उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं या उनके लिए हमारे पास क्या प्लान है, मैं बहुत ज्यादा विज्ञ तो नहीं हूं मैं यूरोप के देशों से, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि यूरोप में कई देश ऐसे हैं कि जो पूरा लोग काफी संख्या में, लाखों की संख्या में सर्दियों में माइग्रेट करते हैं, उनका बर्फ इतना गिर जाता है कि उनके लिए वहां रह नहीं सकते हैं, तो 3-4-5 महीने के लिए, वो 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए घरों से शहरों की ओर आ जाते हैं या जहां पर बर्फ नहीं होती वहां जाते हैं जो बहुत कॉस्टली होता है। हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि आप जो ये इस तरह का जो माइग्रेटी हैं उनको हम यहाँ के आकर्षित कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर सर्दियों में बहुत गुनगुना मौसम होता है, धूप बहुत अच्छी रहती है, इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं रहता, और वहां के लोगों के लिए यहाँ पर जो बर्फ बर्फीले इलाके के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा उनको महसूस होगा, यहाँ का जो समय मौसम होगा, जो क्लाइमेट होगी वो उसको निश्चित रूप से आता है। फिर लगभग उनका और हमारा जो महंगाई का अगर हम देखें, उनका जो वो खर्चा करते हैं तो लगभग 40-50%, कहीं कहीं पर 60%, जो बहुत अच्छी उनको अगर व्यवस्था चाहिए तो 60%, फिर भी 40% को बचत करेंगे, उनकी विदेश यात्रा भी हो जाएगी, हिमालय की यात्रा भी हो जाएगी। तो हमने कहा कि उन पर हमको अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक नया डिपार्टमेंट हमने अभी बनाया है, वो है एडवेंचर को लेकर के, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, क्यों केवल और केवल एडवेंचर पर ही फोकस करेंगे और उसके जो सीईओ होंगे
या जो डायरेक्टर होंगे वो अखिल भारतीय सेवा के कोई अधिकारी होंगे, या कोई आईएएस होंगे या आईपीएस होंगे या आईएफएस होंगे। ये हमने उसमें व्यवस्था की है कि ताकि जो पूरा दुनिया का जिनको एक्सपोजर है वो लोग यहाँ पर आ सकें, दुनिया की भाषा, दुनिया में जाकर के वहां की भाषा में बात कर सकें, लोग वहां से कोई प्रतिनिधिमंडल आता तो उनको उनकी भाषा में बात कर सके। इस तरीके से हमने जो विदेशी पर्यटक है उनके लिए हमने इस तरह के हमने फ्यूचर के On the tourism front, there is also a special category for people who are looking to find peace. You may call it spiritual tourism, or you may say people who are seeking peace of mind in areas which are relatively untouched by man. Your state offers that. So how are you planning to develop that? अभी जब लोकसभा चुनाव से माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में रखा था कि स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नैनीताल जिले में एक प्लान हम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के दौरान ही ये तरह तरह की दिक्कतें हो गई, वो आगे नहीं हमारा बढ़ पाया, लेकिन हमने डिजाइन कर लिया है और उस काफी हाइट पर ये डेस्टिनेशन है, सामने हिमालय दिखता है और उसको हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की व्यू से हम उसको डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसमें भी हमारा स्पिरिचुअल का भी, जहाँ पर योगा होगा, जहाँ पर क्या बोलते हैं मेडिटेशन होगा, ये इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी ऋषिकेश जो है योग की राजधानी कहा जाता है दुनिया में, और बड़ी संख्या में लोग जो विदेशी हैं यहाँ पर अभी भी आते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कहीं विदेश में हैं, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो उत्तराखंड की जो पहचान है वो धार्मिक है या कल्चरल है या आध्यात्मिक है, तो वो पहचान तो हमको हर हालत में बरकरार रखनी ही रखनी है, उसको हमको उसको सुरक्षित हमको रखना ही रखना है। और जो हमारे जो थीम बेस्ड जो हमारे डेस्टिनेशन हम डेवलप कर रहे हैं उनमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। होटल्स में भी हमारे कई होटल्स ऐसे कि जहाँ पर योगा के टीचर हैं हमारे, उनमें जो हमारे ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, गीता हो, रामायण हो, उनके भी कुछ लोगों ने उनको भी वहाँ पे अपने यहाँ रखा है। ये इस कॉन्सेप्ट पे भी जो नए अब हमारे यहाँ होटल्स बन रहे हैं, 5-star बन रहे हैं, अभी ताज हमारे यहाँ बना है, ताज के भी दो एक होटलों और बनाना चाह रहे हैं, हयात ने अभी हमारे यहाँ उनका होटल भी बनकर तैयार हो गया है, ऐसे बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर आए हैं, तो उन वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, उन्होंने भी इस चीज को तवज्जो दिया है उत्तराखंड में, हमको इस चीज को कहीं ना कहीं हमको बढ़ाना चाहिए ऐसा। और हम लोगों ने भी प्रयास है कि ये जो हमारी जो पहचान है, ये पहचान हमारी जो देवभूमि की पहचान है। So overall, would you say that you're optimistic about how things are likely to work out in the future? And do you think that you will be able to bring in more economic activity in the state? वैसा है कि उत्तराखंड देश की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जो स्टेट बढ़ रहे हैं उनमें उत्तराखंड भी टॉप स्टेट्स में है। अगर आप देखें तो आज हमारी पर कैपिटा इनकम ये 2 लाख से अधिक है, नेशनल एवरेज से जो काफी अधिक है। लिटरेसी में अगर आप देखें तो अभी हम केरल, दिल्ली और उसके बाद उत्तराखंड 86 point something यहाँ पर लिटरेसी रेट, ये इस राज्य में किस तेजी से, इन 3 सालों में आप देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो हमारी पर कैपिटा इनकम 1,61,000 और आज हम 3 साल जब हमने किया तो 2,03,000 से अधिक हमारी पर कैपिटा इनकम हुई। और राज्य में आप ये देखिए कि 2000 में राज्य बना, 2003 में अटल जी ने विशेष पैकेज उत्तराखंड को दिया था, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, और 2000 से 2017 तक लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया।
अभी इन 3 सालों में 25,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट ये ग्राउंड हो चुका है। आप स्वयं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस ढंग से इस राज्य की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से जो ये मार्च के बाद जो ये कोविड का दौर चल रहा है, ये निश्चित रूप से इसने अर्थव्यवस्था को, उत्तराखंड नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला है, नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि एक दौर है, ये दौर निकल जाएगा, ये कष्ट का समय है, ये कष्ट भी कुछ दिन में 2-4-6 महीने में ये दौर भी निकल जाएगा। और जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम मार्च अप्रैल मई की अर्थव्यवस्था देखें और सितंबर की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखें तो काफी बड़ा चेंज आया है। धीरे धीरे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। हमें मानकर चलते हैं कि उस दिन ये रहेगा, उसके बाद लगभग 6-7-8 महीने के बाद हमको लगता है कि बहुत तेजी से फिर इसमें सुधार आएगा। और निश्चित रूप से हम पूरी तरह, मैं कह सकता हूँ, तो पूरी तरह आशावादी हैं और आसानी हम विश्वास करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सामान्य की ओर आएगी और फिर सामान्य जीवन समाज जी पाएगा। Chief Minister Rawat, thank you for sharing your views with us, and we wish you luck in the future.